प्रभु की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व जो है वो अहंकार है, हमारे भीतर का अहम। अहम किन चीजों को लेके होता है? रूप को लेके होता है, जाति को लेके होता है, पैसे को लेके होता है, पद को लेके होता है, परिवार को लेके होता है, बल को लेके होता है, प्रतिष्ठा को लेके हम जीवों को अभिमान हुआ करता है। और ये अहंकार रहता कहाँ है? ये अहंकार यहां रहता है। इसलिए अहंकारी को झुकना पसंद नहीं होता। रावण जीवन में किसी के आगे झुका ही नहीं, उसे मजबूरी में किसी को प्रणाम भी करना होता है तो प्रणाम, जैसे गाली दे रहा हो, किसी को धमका रहा हो। वो अपने मां बाप को भी ऐसे ही प्रणाम करता है, नाना माल्यवान प्रणाम नाना जी, जैसे धमका रहा हो किसी को। वो किसी को ऐसे तो कर ही नहीं पाया। हम लोग रावण का पुतला इसलिए जला रहे हैं, और रावण ने हमारे घर पे चोरी थोड़ो कर ली है। रावण के रूप में हम अहंकार को जला रहे हैं। हमारे भीतर रावण पैदा ना हो जाए, हमारे भीतर राम प्रकट हो, तो हृदय अयोध्या बने, रावण ना पैदा हो जाए हमारे भीतर। इसलिए हम लोग जलाते हैं, फूंकते हैं पुतले को। उसके माथे के भीतर उसकी 10 खोपड़ी हैं। कभी कभी हम लोगों की भी 10 खोपड़ी हो जाती है। एक मन ऐसा कर रहा है मेरा, एक मेरा मन ऐसा कर रहा है, एक मेरा मन ऐसा कर रहा है, एक मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं कंठी ले लूं, एक मन कह रहा है कंठी ले ली तो मेरा प्याज लहसुन ही बंद हो जाएगा, फिर मुझे वहां रिश्तेदारी में जाना है और दोस्त कहेंगे कि भाई होटल चलो तो बिना प्याज लहसुन का तो पिज्जा ना मिलेगा, तो मैं पिज्जा कैसे खाऊंगा। 10 खोपड़ी, ये करूं कि ये नहीं, सत्संग में आई नहीं, ठीक बात है भाई भजन करना चाहिए, इतनी जिंदगी हो गई, अरे अरे नहीं नहीं ये सब ऐसे ही है, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है, अभी ये काम कर लूं तब, अभी वो कर लूं तब। 10 खोपड़ी, एक तो अहंकार, उसमें भी 10 खोपड़ी, झुकने ही नहीं आता। इसी रावण तत्व को हम जलाते, अहंकार को जलाते हैं। रावण के पास गुरु भी हैं, शंकर जैसे गुरु हैं, छोटे मोटे गुरु नहीं, उसके पास हर चीज टॉप क्लास की है। वो जो मंदोदरी है वो थोड़ी बहुत सुंदर नहीं, वो तो सीता जी को देख के पागल हो गया, अलग बात कि क्योंकि मंदोदरी सीता जी के आगे तो कुछ नहीं है, पर मंदोदरी कोई छोटी मोटी सुंदर नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि हनुमान जी ने देखा नहीं था सीता जी को कभी, और जब वो गए तो रावण के कक्ष में भी चले गए, रात को देख खोज रहे थे, तो मंदोदरी को लेटे देखा तो हनुमान जी को भ्रम हो गया कहीं सीता माँ तो नहीं है, इतनी सुंदर है मंदोदरी, छोटी मोटी सुंदर नहीं है। फिर हनुमान जी सोचे नहीं मेरी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके हृदय में राम विरह की अग्नि लगी हो वो चैन से सो थोड़ो सकता है, जिसके भीतर गोविंद के विरह की अग्नि लगी है वो कैसे सो जाएगा, वो तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। तो रावण के पास हर चीज टॉप क्लास वाली है, विमान पैसा पुत्र पत्नी, घर ही जिसका सोने का हो, देश जिसने सोने का बना लिया, हर चीज टॉप क्लास की, उसको गुरु भी टॉप वाले चाहिए, क्योंकि उसको भजन वजन नहीं करना। आजकल संसार में खूब देखते हैं जिन गुरु का ज्यादा नाम चल रहा होता है लोग उन्हीं के संग फोटो खिंचाने लग जाते हैं, उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उनको किसी से कुछ नहीं लेने देना, उनको देखना इस समय फेमस कौन है, चल कौन रहा है, वो उसी के चेला बन जाओ। इस समय कौन, उनको किसी से भी कुछ नहीं लेना देना। तो रावण को वास्तव में गुरु से लेना देना कुछ नहीं था। अब उसको कहते थे विद्वान लोग कि भाई गुरु तो कम से कम करो, किसे करूं किसे करूं, तो मैं तो टॉप क्लास चीज चाहिए मुझे तो शंकर बाबा ठीक है, वो सही में जगत गुरु है, ये असत्य नहीं है। शंकर जी को गुरु बना लिया, शंकर जी तो भोला नाथ हैं, मना तो किसी के लिए है ही नहीं, क्योंकि शंकर जी के इष्ट नित्यानंद प्रभु है,
वास्तव में भागवत जी में लिखा है शंकर जी संकर्षण के भक्त हैं मूल रूप, और वह संकर्षण ही नित्यानंद है, वह संकर्षण ही बलराम जी है, वह संकर्षण ही लक्ष्मण जी हैं। तो जैसे इष्ट हैं वैसे ही शिष्य हैं, भक्त हैं। तो भोले बाबा ठीक है, शायद कुछ सीख जाए, कह के सिखाएंगे नहीं तो आचरण से सीख जाए। अब मैं भी कम बलवान तो नहीं हूं, लेकिन सब चीज का घमंड छोड़े रखता हूं, राम राम किया करता हूं। मेरे ठाकुर अगर यशोदा माँ के घर जन्म लें तो मुझे भिखारी बनने में भी शर्म नहीं आती, मुझे तो नंद लाला को देखना है ना, भिखारी बनूं तो क्या है, मुझे यशोदा के दरवाजे पर भिखारी बनने में शर्म नहीं आती। अब मेरे ठाकुर अगर राज बिहारी बने तो मुझे लहंगा चुनरी पहनने में भी शर्म नहीं आती, मैं वो सब बन जाऊंगा जिससे मुझे मेरा प्रियतम मिलता हो। तो शिव सोचे कि मैं कह के समझाऊंगा, कह के नहीं समझा तो मेरे आचरण से सीखेगा, गुरु के आचरण से सीखते हैं, वचन से तो सीखते ही हैं। लेकिन रावण को केवल एक कॉलम भरना था कि मुझको बस कोई पूछे गुरु तो मैं कह सकूं, जरा जोरदार नाम ले सकूं। लेकिन गजब ये हो गया कि शंकर जैसे गुरु को पाके भी वो अहंकार का समर्पण वहां भी नहीं कर पाया। अब तो कर देता, जो सिर कहीं ना झुके वो गुरु चरणों में तो झुके।